फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं ओरियो बिस्किट क्रीम आइसक्रीम, ओरियो आइसक्रीम। उसके लिए हमने ये फ्रेश क्रीम ले ली है। हम इसको व्हिप्ड करेंगे हैंड मिक्सर से। हम हैंड मिक्सर से ही मिक्स करेंगे, जिससे कि आप लोग आराम से घर पे कोई भी बना सकता है। जिसके पास ब्लेंड हैंड बीटर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बीटर नहीं है, वो भी बना सकते हैं आराम से। तो हम इसे मिक्स करेंगे। इसे धीरे धीरे हम इसे मिक्स करेंगे। ऐसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अभी हमने फ्रिज में रख दी थी मिक्स करने से पहले, एक दो घंटे पहले, जिससे कि क्रीम ठंडी हो जाए। तो ये अच्छे से फिट बिस्क हो जाएगी और फ्लफी हो जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए कंडेंस मिल्क, ओरियो बिस्किट और ये फ्रेश क्रीम। हम इसे बिस्क करते रहेंगे जब तक ये डबल ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसे फेटते फेटते हमें 5 मिनट हुए हैं। अभी हमें इसे और टाइम लगेगा फेटने में। ये इस तरह से हुई है, अभी 5 मिनट हुए हैं। अभी और फिटेगी ये, बिल्कुल हल्की हो जाएगी, लाइट। तब तक हम इसे फेटेंगे, डबल हो जाएगी बिल्कुल तब तक। हेलो फ्रेंड्स, इसे फेटते फेटते हमें 10 मिनट हो गए हैं और ये हमने डबल बॉयल रख लिया है। इसमें डाल दिया आइस, जिससे कि क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और जिससे कि क्रीम ठंडी रहे हमारी, इससे अच्छी फिटेगी। इसलिए हमने इसमें आइस डाल के रखा हुआ है और इसी तरह से हम इसे फेटेंगे जब तक ये बिल्कुल डबल और हल्की ना हो जाए। अभी फेटने में टाइम है इसमें। फ्रेंड्स, अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। हमारी क्रीम हो गई है। एक चम्मच हम वनीला एसेंस डालेंगे और ये ओरियो बिस्किट और ये जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क। हम इसे हम एक डब्बे में जमने के लिए रखेंगे। इसके अंदर ऐसे ढक के हम फ्रिज करने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। हम ऐसे ओवरनाइट रख देंगे फ्रीजर में। डाल देंगे इसमें हम डेकोरेशन के लिए, इसमें थोड़ा सा ओरियो बिस्किट डाल देंगे एक पैकेट और। ब्रश करके हाथ से ऐसे सिंपली ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हम सिल्वर फॉइल या क्लिंग फॉइल से कवर करके फिर कवर खोलो। अब इसको क्लिंग फॉइल से कवर कर देंगे जिससे कि इसमें आइस क्रिस्टल ना आए। इसको हम ऐसे करके इस आइसक्रीम से दबा के डालेंगे जिससे कि इस पे आइस क्रिस्टल बिल्कुल ना आए। हम इसे ढक्कन लगा के ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे और फिर हम सुबह दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर लग रही है आइसक्रीम। लग रही है ना बहुत अच्छी, बिल्कुल रेडीमेड जैसी। आप भी इस तरह से बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।